हम लोग एक्चुअली रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, पर जो रास्ता दिख रहा है हम लोग चलते जा रहे हैं। वाटरफॉल आ गया है। हम लोग थक गए भाई, चढ़ चढ़ के काफी ऊपर है। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लॉगर बनते पे। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर आप लोगों के लिए। आज एक नए वाटरफॉल की तरफ जाएंगे जो कि काफी अंदर है, मैं कभी गया नहीं हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। उस वाटरफॉल का नाम है केलवा वाटरफॉल, जो कि केलवा में है। कहाँ है एग्जैक्टली वो सारी चीजें हम बताएंगे आपको। और आज हमारे साथ है हमारे सल्लू भाई। क्या बोलते सल्लू भाई? लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं बोलोगे क्या? अरे वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। चलिए निकलते फटाफट और आपको दिखा दे बीच के नजारे भी। तो लेट्स गो। हम लोग फंस चुके हैं, हम लोग आ गए केलवे रोड स्टेशन के पास। यहाँ से ट्रेन जा रही है जैसे कि आप देख सकते हो। और हुआ कुछ ऐसा है, अभी केलवा डैम की तरफ जाना है तो ये रास्ता है, यहाँ से हमको जाना है। गाड़ी जा सकती है। अब मैंने पूछा कुछ लोगों से कि रास्ता है क्या दूसरा, बोलना नहीं भाई यही रास्ता है डैम के लिए जाने के लिए। तो अगर आप केलवे स्टेशन पे आते हो तो आपको ईस्ट में जाना है। ईस्ट में आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म क्रॉस करके जा सकते हो, लेकिन आप बाइक से आते हो तो आपको जाने के लिए रास्ता यही है। तो यहाँ से जाना है हम लोगों को, तो चलिए देखते हैं कैसे जाने होएगा। चलो क्या कहना चाहोगे आप? मजा आ गया पानी के अंदर से आके, डर लगा, सलमान आया फाटक पार करके पानी में से। तो यहाँ से सीधा जाना है हम लोगों को और उसके बाद में फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। लगभग यहाँ से 10-15 मिनट का और रास्ता है, तो चलिए फिर निकलते फटाफट। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं। हम लोग अभी तक वाटरफॉल की तरफ नहीं आए हैं, हम लोग आए हैं केलवा डैम की तरफ। आपने जो रास्ता देखा, एक वापस से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जब भी आओगे, अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप ईस्ट में आओ, ऑटो खड़ी रहती है, आप ऑटो से आ सकते हो। वॉकिंग भी है, वॉकिंग आपको 15-20 मिनट वॉकिंग करना पड़ेगा अगर आपके पास कुछ है नहीं। अगर ऑटो से आओगे तो 10 मिनट में पहुँच जाओगे, बाय स्कूटी भी 10 मिनट में आप पहुँच जाओगे। और दूसरी चीज़, आप जैसे डैम पर आओगे तो ये इस तरफ, ये देखिए आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा डैम है। आइए मैं आपको पहले डैम दिखाता हूँ। हमारा केलवा डैम बोलते हैं इसको। यहाँ से आप सीधा जाओगे तो वहाँ पे आप थोड़ा नहा भी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, काफ़ी लोग आते हैं। लेकिन हमको जाना है इस तरफ, पीछे की तरफ जाना है इस तरफ। तो यहाँ पे वाटरफॉल है आगे, तो हम वहाँ जाएंगे। चलो निकलते, टाइम वेस्ट नहीं करते अभी। तो हम लोग अभी वॉक करेंगे, हमने गाड़ी यहाँ पर पार्क कर दी है, थोड़ा अंदर हम लोग आए हैं। अभी यहाँ से हम लोगों को जाना है अंदर तक। ये देखो तैयार हो गया, अरे गलती हो गया, पानी नहीं लाए हम लोग, पानी लाना भूल गए। देखते अभी कितना दूर है, चलो चलते फटाफट फटाफट, क्योंकि 1:30 बज चुका है।
तो टाइम वेस्ट करना नहीं, चलो और ऊपर है थोड़ा ट्रैकिंग है। हम लोग एक्चुअली रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, पर जो रास्ता दिख रहा है हम लोग चलते जा रहे हैं। लेट्स सी कहाँ तक जाता है ये रास्ता, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट लेते हैं, चल के थक गए हैं, हालत खराब हो गई है। थोड़ा फ्रेश होते हैं, पानी थोड़ा फ्रेश हो गए है, अच्छा लग रहा है। प्यास काफ़ी लगी थी तो मुँह धो लिए ठंडे ठंडे पानी से। कुछ लोगों का आवाज़ आ रहा है दूर से, देखते हैं अभी और कितना दूर है वाटरफॉल। थक गए चल चल के। वैसे रास्ता सीधा है और थोड़ा ट्रैकिंग है। सीधा है, सीधा है, पूरा सीधा है भाई। 15 मिनट हो गए हम लोग ट्रैक करते करते। सीधे में ही चल रहे हैं 15 मिनट। देख आवाज आ रहा है क्या? हाँ आवाज आ रहा है लोगों का, चलो देखते क्या है। सो गाइज हम लोग अभी यहाँ से आए है और अभी यहाँ से जाएंगे। यहाँ से थोड़ा आप जाएंगे आपको पानी बहता हुआ दिखेगा और फिर ऊपर आपको वाटरफॉल भी सामने ही दिख जाएगा। ये झरने के पास ये यहाँ से ये झरना दिखता है सामने। हाँ ये झरना भी दिखता है यहाँ से, ये देखिए यहीं से आपको यहाँ यही पानी ऊपर से आ रहा है, आपको दिख जाएगा वाटरफॉल प्रॉपरली। सो गाइज आखिरकार ढूंढने के बाद हमको फाइनली वाटरफॉल मिल गया है। थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ मैं, थोड़ा रास्ता अजीब सा है, समझ में नहीं आता है, पर हम लोग ये वाटरफॉल के इससे ही जा रहे हैं। ये रहा वाटरफॉल, ये रहा। मैं भी यही वाटरफॉल होगा और यही होना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बारिश कम है इसीलिए पानी का फ्लो थोड़ा कम है, बारिश रहती तो फ्लो ज़्यादा रहता, तो हम इस रास्ते से कभी आ ही नहीं पाते। तो चलो दिखाता हूँ आपको। हम लोग पहुंच गए हैं वाटरफॉल के पास और आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का वाटरफॉल। ओके सो फाइनली गाइज हम लोगों ने आपको वाटरफॉल दिखाने की कोशिश की और रास्ता प्रॉपरली दिखाने की कोशिश की। रास्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बीच बीच में टर्निंग काफ़ी सारे हैं, पर मैं आपको दिखाने का कोशिश किया कि आप प्रॉपरली ऊपर पहुंच सके। और वाटरफॉल काफ़ी छोटा सा था, पानी बारिश गिर नहीं रहा है एक हफ्ते से इसके वजह से, और वहाँ पर काफ़ी सारे लड़का लड़की लोग बैठे थे तो मुझे ऐसा मन नहीं किया कि उनको डिस्टर्ब करूँ, तो हम लोगों ने ऊपर ऊपर से वीडियो बना के हम वहाँ से निकल गए। और काफ़ी ब्यूटीफुल है नेचर यहाँ का पहाड़ों के बीच में, रास्ता मगर बहुत पहाड़ों के अंदर से नज़ारा बहुत अच्छा है यार, अच्छा है।
मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ नज़ारे को। तो होप्स आपको पसंद आया रहेगा वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारी पिछले सारी वीडियोस भी देखना जिन जिन वाटरफॉल पे हम लोग गए हुए हैं। उसको भी लाइक करना, उसको भी और वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और फिर मिलते हैं आपको अगले किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सो गाइज, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप किधर भी घूमने वगैरह जा रहे हैं वाटरफॉल पे या पहाड़ों पे, तो आप ये देख सकते हैं कितना यहाँ पे कचरा गिरा हुआ है, तो प्लीज़ ऐसा सब ना करें। अगर आप लेके आए तो आप इसको लेके जाइए और किधर जहाँ पे कचरा फेंकने की जगह वहाँ पे फेंकिए। आप इस तरह से नेचर को आप मत खराब करिए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।